Good morning, everyone. Fifth class. Today is 24th of October और डे है सैटरडे. तो जैसा कि आपको पता है कि आपके SA1 एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर से, ठीक है. तो उससे पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेंगे. आपको जो अब सिलेबस भी दे दिया गया था, तो सिलेबस जो है वो फोर्थ चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. तो सिलेबस में आपको फोर्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, एट्थ सॉरी फोर सिक्स एंड सेवन और टेन चैप्टर में से आपको जो वो SA1 में आएगा, ठीक है. तो चलिए रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है. इसमें जो है वो एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको खुद भी घर में करने पड़ेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फोर्थ चैप्टर है हमारा पार्ट्स एंड होल्स, ठीक है. उसमें जो वो किस टाइप के क्वेश्चन जो वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटे स्मॉल टाइप के क्वेश्चन आज हम देखेंगे, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से. 10 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, ठीक है. रुपीज़ नहीं होगा, 2 होगा, तो 2 रुपीज़ हो जाएगा, लेकिन 1 ही है, तो 1 रुपी सिंगुलर, ठीक है. 10 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़. तो ये पूछा है कि 10 पैसे जो है वो कितना पार्ट होंगे 1 रुपीज़ का. तो सबसे पहले तो 1 रुपीज़ में क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, ठीक है. 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 रुपीज़ में आपको पता है कि 100 पैसे होते हैं. 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं. अब देखिए 100 का जो है वो 10 कितना होगा, ठीक है. तो 10/100 लिख दिया जाएगा, और 0 से 0 तो बचा 1/10, ठीक है. तो 1/10 पार्ट जो है वो है, 10 पैसे जो है वो 1/10 पार्ट है, ठीक है. 10th पार्ट है मतलब कि 1 रुपीज़ का, ठीक है. तो देखिए ऐसे का कैसे जो यहाँ पे लिखा गया है सॉल्यूशन में, 10 पैसे इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, ठीक है. कैसे आया होगा, तो देखिए यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 1/100, ठीक है, या 10/100 भी आप लोग तो सिंपली बोल सकते हैं. 10 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10, ठीक है. आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है. तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर, स्टार दीजिए इसको, क्योंकि ए आपने जो वो घर में प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे पूछा था 10 पैसे आप करिएगा 20 पैसे के लिए, ठीक है. बाकी सेम वैसे लिखना है, 20 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है. इस लाइन को जो बाद में लिखेंगे, पहले जो वो इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है. तो 20 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, ठीक है, इसको करिएगा. और एक और क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड करेंगे आप लोग, 25 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, तो 25 पैसे के लिए भी आप लोग इसको सॉल्व करिए. 2 क्वेश्चन आपको दिए मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड, 20 पैसे और 25 पैसे के लिए आप लोग इसको निकालिए. बाकी लिखना वैसे ही जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आप लोग एक बार 20 लिखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा. एक बार जो वो 25 लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 30 डिग्री एंगल इज डैश पार्ट ऑफ राइट एंगल. ये बोल रहे कि 30 डिग्री जो एंगल है वो कितना पार्ट है राइट एंगल का. तो आपको राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए, राइट एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले आप लोग लिख लें कि राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है. अब देखिए अब क्या करना है, जो पूछा है, ठीक है, जो पूछा है 30 डिग्री पूछा है, तो 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. कितना मल्टीप्लाई करना है, 1/90 डिग्री मल्टीप्लाई करना है, 1/90 डिग्री मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. यहाँ पे जो वो 30 लिखा है ये गलत है, यहाँ पे नीचे जो वो 90 होगा, ठीक है. इसको आप लोग अच्छे से देख लें, 30 मल्टीप्लाई बाई 1/90 या 30/90, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, और 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया 1/3, ठीक है. तो क्या बोलेंगे, 1/3 पार्ट है 30 डिग्री किसका, राइट एंगल का, मतलब कि 90 डिग्री का, ठीक है. तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सेम वैसे तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन करेंगे आप लोग. इसको भी स्टार इक्वेशन नाम दीजिए, सॉरी इक्वेशन नहीं, स्टार नाम दीजिए इसको, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा था 30 डिग्री, आप निकालेंगे यहाँ पर, आप निकालेंगे 45 डिग्री, ठीक है. आप निकालेंगे 45 डिग्री, 30 की जगह जो है वो 45 लिखना है आपने, ठीक है. 30 की जगह 45 लिखना है. 45 डिग्री एंगल इज डैश पार्ट ऑफ राइट एंगल, ठीक है. बाकी सेम वैसे ही करना है. मैंने आपको बोला कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसको लिखने से पहले आपको रफ वर्क में सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे,
रफ वर्क में ना करें इसको, पहले इसको लिख लें फिर जो है वो इस लाइन को लिखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसका इसकी प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन दिए हैं इनको भी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।